जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग एलेस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। टेक्सटाइल सेक्टर का काफी कमाल का स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, जिसके बारे में हमेशा इस चैनल पर बातें होती रहती है। इस वीडियो में समझेंगे इस स्टॉक में जिनका इन्वेस्टमेंट है उनका, मैं समझ पा रहा हूँ कि तेजी से ग्रोथ नहीं हो रहा है इस स्टॉक में, क्योंकि शेयर प्राइस काफी दिनों से देखेंगे तो रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। तो फाइनली ये समझेंगे कि आखिर पोर्टफोलियो में स्टॉक रखने के लिए तो हमने नहीं बाई किया है, बाई किया है कि शेयर में तेजी आएगी, हमें मुनाफा होगा तो हमें पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो ये मौका कब मिलेगा इस बात को इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। साथ में यदि कोई नया व्यक्ति है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, चूंकि देखिए जो जिस सेक्टर की स्टॉक है और चूंकि पेनी स्टॉक है तो काफी से रिटेल उसका इसमें रहता है, हमेशा इसको एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो उसका एक्सप्लोरेशन भी करेंगे, यानी कि इसका एनालिसिस करेंगे हम लोग। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और जो कंपनी का काम धाम है सब चीजों को समझेंगे, शुरू से शुरू करेंगे इसमें कि एक ओवरऑल आइडिया मिल सके हमें इस स्टॉक में करना क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जब आप बीएस इंडिया वेबसाइट पर स्टॉन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड को ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक किसी भी रेड फ्लैग में नहीं है। रेड फ्लैग कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे अक्सर आपको पेनी स्टॉक में जब यहाँ पे देखेंगे तो एएसएम या जीएसएम की कैटेगरी दिख जाएगी, यानी कि लगभग हर एक पेनी स्टॉक देखेंगे तो कोई ना कोई जो सेबी की कैटेगरी होती है एएसएम या जीएसएम उसमें होता है। ये स्टॉक इस कैटेगरी में नहीं है, एएसएम और जीएसएम जैसी घातक कैटेगरी से स्टॉक बाहर है, यानी कि आपके लिए उतनी सरदर्द वाली बात नहीं है। नया व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मतलब कर सकता है, कोई बड़ी तनाव की बात नहीं। हालांकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले और भी तमाम चीजों को देखना होता है, उसके बारे में समझेंगे। और जिसका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उसके लिए खुशी की बात यह है कि आप देखेंगे लास्ट टाइम इसमें 6 जून इसमें लगता है इन दिनों अपर सर्किट ही लगते हुए आपको दिख रहा है। पिछले बार एक बार सिर्फ इसमें अपर सर्किट लगा है इस मंथ में, बाकी एक बार लोअर सर्किट लगने के बाद से देखेंगे तो लगता है इस स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है। और अपर सर्किट का लगना इस बात की निशानी होती है कि इस स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब होता है कि नए नए बायर्स आ रहे हैं, माल खूब खरीदा जा रहा है, जिसके बदले कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है ऊपर जाने के संकेत मिलते हैं, उसको पावर मिलता है, उसको बूम मिलता है कि शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाए। अब समझिए एलेस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, आपको नाम से स्पेशल टेक्सटाइल के सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। टेक्सटाइल्स में देखेंगे तो अलग अलग ब्रांड के जो कपड़े बनाए जाते हैं, जो फैब्रिक बनाई जाती है, जो जींस पैंट बनाई जाती है कंपनी बनाती है, और साथ में थोड़ी बहुत ये कंपनी आपको इन्वेस्टमेंट मार्केट में भी काम करते हुए नजर आ जाएगी, यानी कि कुछ पैसे ये कैपिटल मार्केट में लगाती है, इन्वेस्ट करती है, उससे इसका थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन जो मेजर कमाई होती है इस कंपनी की वो टेक्सटाइल के बिजनेस से होती है, टेक्सटाइल्स में ये ट्रेडिंग करते हुए आपको नजर आएगी। और एलेस्टोन टेक्सटाइल्स देखेंगे इन दिनों उत्तर भारत में काफी, मतलब टेक्सटाइल के सेक्टर में देखेंगे तो एक मतलब उभरता हुआ इसको स्टॉक कह सकते हैं, काफी इसकी चर्चा हो रही है। तकरीबन 88 करोड़ यानी कि तकरीबन 100 करोड़ का आसपास वैल्यूएशन टच करने वाले इस स्टॉक का। तो जो स्टॉक पेनी स्टॉक 100 करोड़ के आसपास चला जाता है वो मार्केट में ऐसे ही छा जाता है, और इसका पीई भी काफी कम है। पीई आपको पता है कि जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से, तो यहाँ पीई भी कम है, 20 के आसपास है, ठीक है। और कमाल की बात यह भी कि इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो माइनस में नहीं है, क्योंकि जो पेनी स्टॉक आप देखते हैं सामान्यतः पेनी स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी आपको माइनस में देखने को मिलता है, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको कुछ ना कुछ कंपनी ने कमा के दिया ही होगा निगेटिव में, तो नहीं, कुछ लोग बहुत हाई पे बाई किए होंगे तो उनका रिटर्न निगेटिव में चल रहा होगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे क्या करना है। और समझिए चलिए अब हम लोग फंडामेंटल और अभी तक कंपनी के काम धाम को समझे, आगे और भी चीजों को समझेंगे। पहला टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस अभी भी इसी रेंज में है जिस रेंज में पहले यह फंसा हुआ था 2023 के आसपास, उसी रेंज में इस स्टॉक ने फिर से एक बार मतलब चलना शुरू कर दिया है। शुरू क्या कर दिया, काफी दिनों से चल रहा है और इसमें समय बिता रहा है। अब समय बहुत बिता लिया, अब इसका बारी आ गया है ऊपर निकलने का, ये प्राइस ऊपर निकलेगा। आप सभी जानते हैं कि रेंज बाउंड से जब प्राइस निकलता है किसी भी स्टॉक का तो ऊपर जाता है, कितना ऊपर जाएगा, प्रीवियस जो हाई है इसके डबल तक जाता है, यानी कि जो ऊपर निकल रहा है तो तकरीबन आपको 3.5-4 रुपए तक आपको इस स्टॉक का प्राइस इजीली जाते हुए दिखाई देगा, 3.5 से लेके 4 रुपए तक। यहां तक के लिए आपका यदि शॉर्ट टर्म में टारगेट है तो आप जा सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि प्राइस ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहां पे भी आप देखेंगे तो स्टॉक का जो वॉल्यूम है वॉल्यूम तेजी से बढ़ रहा है, और मैंने आपको शुरू में बताया कि इस स्टॉक में चूंकि अपर सर्किट लग रहा है तो ये निशानी होता है कि स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब ये शेयर प्राइस बूम करने की निशानी है। और काफी दिनों तक कोई स्टॉक रेंज बाउंड में नहीं रहता, उसको बाहर निकलना होता है, तो ये भी अब समय आ गया इस स्टॉक के प्राइस को बाहर निकलने का। यहाँ पर देखेंगे जब कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट, तो कंपनी के जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आए Q4 का, उसमें कंपनी ने कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। ऑपरेटिंग हालांकि एक्सपेंसेस तो बढ़े हैं क्योंकि कंपनी चलाना है तो कंपनी के खर्चे रुकने वाले नहीं है, लेकिन उस हिसाब से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, चूंकि सेल्स हुआ नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। हालांकि अदर बिजनेस से जो कंपनी के, जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में कंपनी कामकाज करती हुई नजर आएगी, तो उससे थोड़ी बहुत कंपनी की कमाई हुई है, थोड़ा सा प्रॉफिट कंपनी को 88 लाख के आसपास होते हुए दिखा है, जो पिछले कुछ 2-3 क्वार्टर करोड़ों में जो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा था कम होगा, सिर्फ 88 लाख के आसपास रह गया। अब समझिए कंपनी का सेल्स यदि होता ना तो ये जो प्रॉफिट 88 लाख का हुआ ये इस बार 1.5 करोड़ से ज्यादा का होता,
कम से कम 1.5 करोड़, लेकिन कंपनी का चूंकि सेल्स नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। देखिए क्वार्टर के रिजल्ट हर 3 3 माह पे आते रहते हैं, अगला जो क्वार्टर रिजल्ट आएगा उसमें आप देखेंगे कंपनी ने सेल्स अच्छा खासा उसमें आपको दिखाई देगा, क्योंकि इस बार मैनेजमेंट में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं जिसका असर आपको नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में देखने को मिलेगा। जब आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको दिखने को मिलेगा कि मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में चूंकि कंपनी का सेल्स नहीं हुआ है और कंपनी चलाना है तो यहाँ पे इस वजह से जो कंपनी का डेब्ट है आपको बढ़ते हुए दिखा है इस क्वार्टर में, तकरीबन 500 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर हो गया और रिजर्व पैसा देखेंगे तो बहुत कम है 25 करोड़ का आसपास। तो यदि नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये जो चीज यहाँ पे देखने को मिला है ये सही नहीं है। और बाकी जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उनको लिए मैं यही सलाह दूंगा, यदि बहुत काम का पैसा नहीं लगाए हैं तो इसमें बने रहिए और वेट कीजिए ब्रेकआउट का, बहुत जल्द आपको चार्ट पर ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा जिसमें अच्छा खासा आपको कमाई का मौका मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।